देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.3 का सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो इसमें हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा कि ये ओरिएंटल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स। आपको पहले भी बताया कि वर्टिकल इलिप्स में वाई स्क्वायर के नीचे लिखा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखे डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, तो वही है। यहाँ देखो वाई स्क्वायर के नीचे 25 है, तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस 25 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सो गिवन एलिप्स इज वर्टिकल एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वर्टिकल एलिप्स की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नेम दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए और बी हमें फाइंड होंगी ऑन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, जो इम्प्लाइज करेगा बी इक्वल टू 2, और ए स्क्वायर इक्वल टू 25 है, जो इम्प्लाइज करेगा ए इक्वल टू 5। तो ए और बी हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें चाहिए सी। तो सी का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 और 4, यानी कि सी आ गया आपका रूट 21। अब हमें फाइंड करना है फोकी ऑफ एलिप्स। एलिप्स हमारा है वर्टिकल, जब वर्टिकल एलिप्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो फोकी होंगी 0, ±c और वर्टिसेस होंगी 0, ±a। अब सब कुछ पुट करके आपको फाइंड कर लेना, 0, ±c से मतलब हुआ c है हमारा √21 और 0, ±a, a है 5, तो वर्टिसेस हो गई 0, ±5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, तो ये हो जाएगी 2 × 5, 2 × 5 इक्वल टू 10 यूनिट्स। और ये 2 भी होती है माइनर एक्सिस की लेंथ, तो 2 × 2, यानी कि ये हो गई 4 यूनिट्स। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ये होती है c अपॉन a, तो ये आ गई √21/5। नेक्स्ट हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है, जो होता है 2b² / a, तो b स्क्वायर है 4, तो 2 × 4/a की वैल्यू है 5, तो 8/5 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। फिर वही ऑब्जर्व करेंगे कि ये ओरिएंटल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है सिंस 16 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर सो given ellipse
इज हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल एलिप्स, ये जो एलिप्स है वो हॉरिजेंटल होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल एलिप्स ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर टू। ए और बी फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, जो इम्प्लाइज करेगा ए इक्वल टू 4, और बी स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, जो बताएगा हमें बी इक्वल टू 3। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है रूट में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 16, बी की है 9, 16 माइनस 9, तो सी आपका आता है यहाँ से रूट 7। अब आप फाइंड कर सकते हैं एलिप्स हमारा हॉरिजेंटल है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस सी कोमा 0, ये प्लस माइनस ए कोमा 0, और सब कुछ एज इट इज रहेगा, तो फोकई होगी प्लस माइनस सी, यानी कि प्लस माइनस रूट 7, प्लस माइनस रूट 7 कोमा 0, और वर्टिसेस हो जाएंगी प्लस माइनस ए, यानी कि प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 कोमा 0। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो ये 2 इंटू 4 यानी कि हो जाएगी 8 यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 यूनिट, और एसेंट्रिसिटी होती है ए सी इक्वल ई इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है रूट 7 और ए की वैल्यू है हमारी 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 2 बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर 9 है, 2 इंटू 9 अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 2 यूनिट, 9 अपॉन 2 यूनिट, 9 अपॉन 2 यूनिट। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर वाई का ग्रेटर है, यानी कि ये वर्टिकल एलिप्स होगा, तो सिंस डिनोमिनेटर हंड्रेड इज ग्रेटर देन 25, सो गिवन एलिप्स इज ए वर्टिकल एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं वर्टिकल एलिप्स की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स
ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। जब हम वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं तो बाई के नीचे ए आता है, जब हॉरिजेंटल की लिखते हैं तो एक्स के नीचे ए आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो बी स्क्वायर होगा 25, तो बी आ जाएगा 5, ए स्क्वायर होगा 100, तो ए होगा 10, सी को फाइंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमारा 100 माइनस 25, तो ये आ गया रूट 75। आप अगर चाहें तो इसको 5 रूट 3 भी लिख सकते हैं, 5 रूट 3। अब हमें जो फाइंड, ये हमारा है वर्टिकल इलिप्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो ये हो जाएंगे 0, ±c और 0, ±a। 0, ±c से मतलब है 5 रूट 3, 0, ±5 रूट 3 और ये हो जाएगा 0, ±a है हमारा 10, तो ±10। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है और a है 10, तो 2 × 10 यानी कि 20 यूनिट होगा, 2b ये हो जाएगा 2 × b की वैल्यू है हमारी 5 यानी कि 10 यूनिट्स। और एसेंट्रिसिटी होती है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 5 रूट 3 और ए की वैल्यू है 10, तो 5 × 2 = 10 तो ये आ गई √3/2। अब निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है 2b² / a यानी कि 2 × 25 / a, a की जगह हम पुट करेंगे 10, तो 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25 यानी कि 5 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है फोर्थ। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन हमें x²/49 + y²/36 = 1। तो 49 ग्रेटर डिनोमिनेटर है, सिंस 49 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर सो गिवन एलिप्स इज ए हॉरिजेंटल इलिप्स। तो हॉरिजेंटल इलिप्स होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल इलिप्स ये होती है x²/a² + y²/b² = 1। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो वन और टू से हम देखें तो a² = 49 है और b² = 36 है, तो a = यहाँ से आएगा 7 और b = आएगा 6, तो c निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि रूट में 49 - 36।
तो सी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 9 में 6 गया 3, 4 में रूट 13। ये आपका एलिप्स था हॉरिजेंटल, तो फोकी हो जाएंगी प्लस माइनस सी कोमा जीरो, और वर्टिसेस हो जाएगी प्लस माइनस ए कोमा जीरो, और मेजर एक्स होगी 2a। तो प्लस माइनस सी कोमा जीरो से मतलब प्लस माइनस रूट 13 कोमा जीरो, और ये हो जाएगी प्लस माइनस ए कोमा जीरो यानी कि 7 कोमा जीरो, और मेजर एक्सिस की लेंथ 2a यानी कि 2 इंटू 7 यानी कि 14 यूनिट्स, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12 यूनिट्स। एसेंट्रिसिटी c अपॉन a होती है, तो c की जगह रूट 13 और a की जगह पुट करेंगे 7, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्स्ट्रम 2b स्क्वायर अपॉन a यानी कि 2 इंटू 36 अपॉन a मीन्स 7 यानी कि 72 अपॉन 7 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हुआ। देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें डिनोमिनेटर बाई का ग्रेटर है तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा, सिंस 400 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर। तो ये ग्रेटर डिनोमिनेटर है, सो गिवन एलिप्स इज वर्टिकल एलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 से देखें अगर हम, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 100 जो इम्प्लाइज करेगा b इक्वल टू 10, और a स्क्वायर होगा 400 जो बताएगा a इक्वल टू 20। c को फाइंड करेंगे तो रूट बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू है 400 माइनस 100, तो ये आ गया रूट 300, और इसको अगर आप लिखोगे तो ये 10 रूट 3 भी होगी, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। अब ये है वर्टिकल एलिप्स, तो ये हो जाएगी फोकी 0 कोमा प्लस माइनस सी और 0 कोमा प्लस माइनस ए, ये 2a। तो 0 कोमा प्लस माइनस सी से मतलब 0 कोमा प्लस माइनस 10 रूट 3, और 0 कोमा प्लस माइनस ए से मतलब है 20, और मेजर एक्सेस होती है 2a, तो ये हो गई 2 इंटू 20 यानी कि 40 यूनिट, और माइनर एक्सेस 2 इंटू बी यानी कि 10, तो ये हो गई 20 यूनिट्स। और एसेंट्रिसिटी होती है सी अपॉन ए यानी कि 10 रूट 3 अपॉन ए, ए है हमारा 20, तो रूट 3 अपॉन 2। लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन ए यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 100 अपॉन ए, ए मीन्स है 20, तो 25 जा यानी कि ये 10 यूनिट्स।
इस तरह से ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुए आपके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।